हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला मैफ। तो यूनिफॉर्म सेल है, 40% डिस्काउंट सेल है एंड दिस वीडियो इज फॉर न्यू प्लेयर। मोस्ट ऑफ द एवरी प्लेयर के लिए मैं बताऊंगा, इधर से नहीं मैं बताने वाला हूँ जो अब मोस्ट यूजफुल है मेरे रोस्टर में, स्टार नहीं बल्कि मैं आगे रहेगा गाइस नॉर्मली। ओके, नंबर वन नहीं, नंबर टू नहीं बल्कि वॉल्वेरिन का लिटरेचर बहुत अच्छा है गाइस, लिटरली इज रियली गुड एंड मोस्ट रियली रियली गुड, फार बेटर देन दिस यूनिफॉर्म एंड ओल्ड वाला एक्स ऑफ वॉल्वेरिन का पीवीपी के लिए है गाइस। ऑब्वियसली इज रियली बेटर देन पीवीपी, अभी लेटेस्ट वाला डेडपूल एंड वॉल्वेरिन का यूनिफॉर्म से बेटर है वॉल्वेरिन, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसको ही रिकमेंड करूंगा। आप ओवरऑल नॉर्मल जगह पे यूज कर सकते हैं पीवीपी एंड पीवीई। डेडपूल ऑल्सो मस्ट बाय यूनिफॉर्म गाइस, रियली अच्छा है गाइस, लेवल 80 इज रियली परफॉर्मिंग गुड। पीवीपी भी थोड़ा बहुत टिक टैक परफॉर्मेंस कर रहा है, अलायंस कॉन्क्वेस्ट अदर बेटर इवेंट के लिए आर्टिफैक्ट चाहिए, गुड सीटीपी, अच्छा सीटीपी, रिफोर सीटीपी देंगे ना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है एंड पीवीई में भी वेल्ड बॉस में अच्छा कर रहा है, काम कर रहा है एंड डेड ग्वेनपूल इज रियली गुड एंड शी इज अ मस्ट बाय यूनिफॉर्म। मैं सच में बोलूंगा फ्री टू प्लेयर गॉड बोलूंगा, मस्ट बाय बोलूंगा कैसे, आपको एबीएक्स के यूज होगा एंड ग्रीन गॉब्लिन भी बहुत अच्छा है, मस्ट बाय सपोर्ट लीडरशिप एंड बहुत सारा है एंड उसके बाद डैमेज डीलर भी है, सब कुछ है, तो शी इज ऑल्सो रियली गुड एंड मिस्टेक इज नॉट सो गुड बट उसका सपोर्ट है, शी इज अ गुड सपोर्ट कैरेक्टर, तो इसका रीजन की वजह से उसको मैं रेकमेंड करूंगा एवरी प्लेयर। लेकिन ऑब्वियसली शी इज अ क्रिस्टल वॉल कैरेक्टर, अभी आपके पास कैरेक्टर रहेगा तो परचेज करो एंड ह्यूमंटोस इज काइंड ऑफ अ नीश बोलूंगा, ऐसा मस्ट बाय नहीं है लेकिन आप ऐसा विदाउट टीयर फोर, विदाउट टीयर फोर नॉर्मल डैमेज देना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल वेल्ड बॉस के लिए एक ही जगह है वेल्ड बॉस के लिए, तो इसको ले सकते हैं या तो जिससे ज्यादा जगह यूजेबल नहीं है गाइस। ओके, बीस्ट इज रियली गुड बिकॉज ऑफ द लीडरशिप एंड सपोर्ट के कारण, मोस्टली फॉर लीडरशिप फिजिकल अटैक दे रहा है था, इसके रीजन की वजह से मैं परचेस किया। ओके, एंड सेंट्री इज गॉड टीयर, बियॉन्ड गॉड टीयर, एवरीथिंग इज फार फार बेटर देन एवरीवन मस्ट बाय यूनिफॉर्म गाइस, सेंट्री को उसकी मत करो, मस्ट बाय एंड सिल्वर सर्फर आल्सो मस्ट बाय सेम एंड थैनोस आल्सो ओके बोलूंगा। ऑब्वियसली आपको ये वाला थैनोस फार्मर थैनोस थोड़ा पीवीई के लिए वर्ल्ड बॉस एबीएक्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दिस थैनोस विन ओल्ड थैनोस जो भी ये बोल सकते हैं वो पीवीई के लिए का, जिन ग्रे बहुत ओल्ड है लेकिन स्टिल मस्ट बाय यूनिफॉर्म। मैग्नेटो सीजनल यूनिफॉर्म बट आएगा तो परचेस करो, इज रियली गुड स्टिल मेटा। डॉक्टर ऑक्टोपस भी मस्ट बाय यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट फीमेल विलन के लिए। आयरन मैन काइंड ऑफ स्किप बोलूंगा, अभी का टाइम पे उतना अच्छा नहीं है गाइस, सच में बोलूंगा तो आयरन मैन इज नॉट सो ग्रेट। ग्वेनपूल इज रियली गुड, ग्वेनपूल को मैं मस्ट बाय बोलूंगा, फ्री टू प्लेयर गॉड बोलूंगा, एबीएक्स के लिए यूज होगा एंड ऑब्वियसली ब्लैक बोल्ट इज अ सीजनल यूनिफॉर्म, साल में एक बार आएगा उसको भी, लेकिन अभी का टाइम पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन उतना मस्ट बाय नहीं बोलूंगा। गोस्ट राइडर मस्ट बाय गाइस, सच में गोस्ट राइडर यूजफुल है अभी भी एंड थॉर इज काइंड ऑफ क्या हो गया इसको, पहला भी अच्छा ही था, वर्ल्ड बॉस डिपार्मिंग के लिए अभी थोड़ा ठीक है, अच्छा करके परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन आपको ले कोई भी न्यू प्लेयर रहेंगे तो लेटेस्ट ले लो, लेकिन आपके पास ये वाला है उससे भी काम चला सकते हैं, रियली गुड। ओके, एंड एवरी मंथ सो रियली गुड सपोर्ट, लेकिन लेटेस्ट वाला आपके पास ओल्ड वाला रहेगा तो ओल्ड वाला से चला सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाला आपके पास एक भी नहीं रहेगा तो लेटेस्ट वाला परचेज करो, एक ही रीजन बोलूंगा। नॉर्मली आपके पास नॉर्मल यूनिफॉर्म ओल्ड वाला चल रहा है सपोर्ट के लिए तो उससे चला सकते हैं, बिकॉज लेटेस्ट वाला सपोर्ट उतना अच्छा सब ग्रेट सपोर्ट तो नहीं सकता है। वोड इनका लेटेस्ट वाला मैं रेकमेंड करूँगा फॉर एबीएक्स एबीएल के लिए लीडरशिप एंड वांडा आल्सो फॉर एबीएक्स एबीएल के लिए अच्छा है एंड केबल आल्सो अच्छा है गाइस एंड मैं मिस्टर फैंटास्टिक का फोर का यूनिफॉर्म परचेस नहीं किया बिकॉज इज अ स्किप बिग स्किप एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इज रियली गुड लेकिन मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ तो ब्लास्ट कैरेक्टर में स्किप ही बोलूंगा। नेमोर अभी का टाइम पे स्किप करो एंड ऑब्वियसली प्रोफेसर एक्स रियली गुड आपको एबीएल एबीएक्स के लिए यूज होगा। कैप्टन अमेरिका स्किप, कार्नेज भी स्किप बोलूंगा, कार्नेज भी अभी के टाइम उतना अच्छा नहीं है, हल्की उसको एंड गुड मस्ट बाय बिकॉज एबीएक्स एबीएल के कारण एंड अभी इसको मैं टीयर फोर करने के लिए सोच रहा हूँ, तो देखेंगे फ्यूचर में अच्छा रहेगा तो। एंड वेनम इसे स्किप, वेनम को अभी इतना यूजफुल नहीं है स्किप बोलूंगा एंड उसके बाद शरण रोजर मस्ट बाय बोलूंगा, शी इज रियली गुड डीपीएस कैरेक्टर बट ओ माय गॉड लिटरली मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड एंटमैन में स्किप ही बोलूंगा, एंटमैन परचेस मत करो। स्पाइडरमैन रियली गुड लेकिन थोड़ा रिवॉर्क मिलेगा, मे बी अपकमिंग स्पाइडरमैन कुछ मूवी तो नहीं आ रहा लेकिन कुछ दे सकते, लेकिन परचेस कर सकते बिकॉज ऑफ पीवीवी। एंड मायर्स मॉरेल्स रियली गुड गाइस, रियली रियली गुड, मैं रेकमेंड करूंगा विदाउट टीयर फोर। कैप्टन मार्वल रियली गुड बट एक ही रीजन के लिए, आपके पास स्कारलेट विच रहेगा तो कैप्टन मार्वल स्किप कर सकते हैं या तो दोनों में से एक ही है, लेकिन कैप्टन मार्वल ठीक ठाक है गाइस, अब मैं आपको वर्ल्ड वॉर्स में यूज सकता है। लोकी इज ऑल्सो गुड, लोकी को मैं रेकमेंड करूंगा एंड ऑब्वियसली रोग इस प्रीमियम यूनिफॉर्म हो गई तो उसका आपको रहेगा तो परचेस करो, इस इज रियली गुड फार्मिंग के लिए रियली अच्छा है। एंड ब्लैक विडो स्किप, कोई भी यूनिफॉर्म उसका अभी तक अभी जो भी गोल्डन गेट
आए थे ना उतना अच्छा नहीं है। स्टॉर्म इज अ काइंड ऑफ एस्केप, स्टॉर्म को कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो, बिकॉज देखो अभी लास्ट टाइम करा के समर समर डे यूनिफॉर्म आया था, लेकिन उतना अच्छा है लेकिन सभी लोग परचेस नहीं कर सकते। ब्लैक पैंथर इज रियली उतना अच्छा नहीं है, सच बोलूंगा तो ब्लैक पैंथर इज नॉट सो गुड। एंड लूना स्नो ऑल्सो मस्ट बाय, लेकिन आपको ना एक ही रीजन बोलूंगा, वापस समर डे यूनिफॉर्म है तो समर अभी रिसेंटली सेल आया था उसमें परचेस किए तो ठीक है, नहीं तो स्किप ही बोलूंगा। क्विक सोलर का स्किप, आपके पास साइक्लॉप्स का मैं लेटेस्ट वाला रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ओल्ड वन इज रियली गुड, बिकॉज सुपर विलन एलेक्स के लिए सपोर्ट दे रहा है एला इस काइंड ऑफ। ओके ओके, आपके पास ओल्ड रहेगा तो ओल्ड से भी काम चला सकते हैं, लेटेस्ट वाला भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं, ओल्ड रहेगा भी आपके पास आज घड़ी रहेगा तो उससे भी काम चला सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा तो फिनिक्स प्रॉक्सिमा मिडनाइट को अभी तक ले परचेज नहीं बोलूंगा, बिकॉज शी अभी उसका न्यू यूनिफॉर्म आ सकता है तो उसके लिए स्किप भी बोलूँगा। एंड उसके बाद दूसरा कोई भी देखो एपोकलिप्स डोरमामू का कोई भी यूनिफॉर्म उतना अच्छा नहीं है अभी के टाइम पे, एंड क्रसन का छोड़ दो, एंड ब्लेड का भी अच्छा नहीं है, शैंक्सी का भी मत लो, शीएल का मैं रेकमेंड करूँगा लेकिन थोड़ा वेट करो टीयर 4 मिलेगा तो शी माइट बी बेटर देन ओल्ड यूनिफॉर्म। में अभी तक परचेस ही नहीं किया कुछ भी शीएल का तो वो भी बता देता हूँ, बट लास्ट यूनिफॉर्म अच्छा है। टास्क मास्टर मस्ट बाय यूनिफॉर्म, एंड एंशन वन का तो ठीक है लेकिन नो आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड इट मेरे हिसाब से। उसके बजाय एनचेंटर्स ले लो, एनचेंटर्स रियली ग्रेट सपोर्ट। एंड फिल कॉल्सन तो प्रीमियम यूनिफॉर्म हो गया लेकिन रहेगा, मैं तो परचेस नहीं किया, वही सिंपल क्रिस्टल रहेगा परचेस कर सकते, क्रिस्टल नहीं रहेगा तो स्किप कर सकते, मैं तो स्किप ही किया। एंड स्टार लॉर्ड इज नॉट सो ग्रेट बेस्ट, वॉर मशीन का यूनिफॉर्म आ सकता है, एंड विंटर सो कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन का भी आ सकता है, डेडेविल स्किप, दो सब जितना भी है ना अभी बोल रहा हूँ स्किप, इलेक्ट्रा स्किप, लेकिन लेकिन ग्रूट इज अ मस्ट बाय यूनिफॉर्म, रियली गुड, मैं इसको अभी भी सपोर्ट यूज करता हूँ। नॉट ओनली लीडरशिप जॉन दो, उसके पास एलाइस ऑल एलाइस के लिए 5% एचपी देगा, 12% के लिए रियली अच्छा यूजफुल होगा। ओके एंड हाउ हाउ क्या स्केप मिस मार्वल स्केप कमल नेक फ्यूरी इज काइंड ऑफ नीश, आई मीन उतना अच्छा नहीं है सच बोलूंगा, विदाउट यूनिफॉर्म ऑल्सो गुड, स्कारलेट विच का तो यूनिफॉर्म मत परचेस करो, सूरी इज रियली गुड मस्ट बाय, आपको कोई भी एक चलेगा ब्लैक वाला रहना है तो या तो जो भी है वकांडा फॉरएवर का दोनों सेम ही है। एंड व्हाइट फॉक्स मस्ट बाय यूनिफॉर्म, लेकिन अभी तक यूनिफॉर्म आएगा थोड़ा वेट करो, कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो। एंड विंटर सोल्जर स्केप बॉन्ग इज काइंड ऑफ नो, मैं इसको स्किप ही बोलूंगा, आप परचेस मत करो। एक स्केप मॉर्गन तो प्रीमियम कैरेक्टर हो गया, पनिशर का कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो, अच्छा यूनिफॉर्म आएगा। एंड ओके रोनन का यूनिफॉर्म परचेस करो, रियली गुड सपोर्ट गाइस, रियली ग्रेट सपोर्ट बोलूंगा, यूनिवर्सल एलेक्स के लिए सुपर विलन के लिए सुपर हीरो के लिए इंक्रीज डैमेज है 40-40 दे रहा है, डॉज रेट इग्नोर टारगेट डॉज रेट भी दे रहा है, अच्छा आएगा। एंड अभी के टाइम पर तेना स्किप, तौर जेन भी स्किप करो, विक्टोरिया स्किप करो, विजन स्किप, ब्लैक स्वान तो नॉर्मल है, बेटर बिल मस्ट बाय, मस्ट बाय, रियली गॉडली सपोर्ट, नॉट ओनली सपोर्ट लीडरशिप प्लस डैमेज डीलर है गाइस, बहुत अच्छा है गाइस। ओके मून नाइट, ओके अभी तक ये मेटा है किसमें, एबीएक्स के कारण टीका है ना, तो ये भी बाहर जाने वाला था, इसको मैं टीयर 4 नहीं किया, बट स्टिल इज गॉडली फॉर एबीएक्स के कारण अभी तक टीका है। एंड गमोरा में अभी तक टाइम पे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एज ए लीडरशिप में ओके ओके बोलूंगा, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड वैसे ही शैडो शेल, बिकॉज आपको स्पाइडर गन मिल रहा है, एंड आपको और एक स्पाइडर ग्वेन एंड और एक रीजनली यूनिफॉर्म आया था, मैं भूल ही गया कैसे, ओके मैं देख के आपको बताऊंगा, रिजेंटली और एक यूनिफॉर्म आया था, आई थिंक उसका नाम है गवेनपुल, गवेनपुल का यूनिफॉर्म आया था, गवेनपुल इज वन बेटर देन दिस टू पीपल, तो उस दोनों को स्किप ही बोलूंगा गाइस। ओके सिंपल, अभी वो दोनों भी स्किप हो गया। एंड उसके बाद कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो, मतलब कोई भी मतलब उसके बाद ब्लैक स्वान भी बेकार है, अभी इसमें जितना भी बोलूंगा ना सपोर्ट बोलने वाला हूँ, उसको ही मैं रेकमेंड करूंगा, कोलोसस परचेस करो, लेटेस्ट वाला परचेस करो। एंड उसके बाद कौन सा यूनिफॉर्म अच्छा है गाइस, कोई भी यूनिफॉर्म उतना अच्छा नहीं है गाइस, है सिर्फ का पर यूनिफॉर्म परचेस कर सकते हैं, गॉड सपोर्ट वैल्किरी है, टाइटेनिया है, टाइटेनिया का कारण एक ही है, देखो अभी कॉम्बैक्ट फीमेल में ना शियल डूइंग लिटिल बट गुड एंड टाइटेनिया, लेकिन शियल को टीयर 4 मिलेगा ना टाइटेनिया भूल जाओगे, तो टाइटेनिया काइंड ऑफ हिट एंड मिस अभी के रीजन, कुछ इन अपकमिंग 6 मंथ में टाइटेनिया नहीं बल्कि शियल को टीयर 4 मिलेगा ना शी इज गोइंग टू बी मेटा। एंड ऑब्वियसली वैल्किरी इज रियली गुड एंड मिस्टीरियो, इसको भी मैं रेकमेंड करूँगा, रिली विलियम रियली गुड। एंड उसके बाद कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो, एंड ऑब्वियसली इसको वेव का यूनिफॉर्म अच्छा है, लेकिन वेव को लेटेस्ट वाला आएगा ये लोग कभी भी दे सकते हैं, तो उसको भी मैं उसका यूनिफॉर्म लिया नहीं। एंड एंजल एन यूनिफॉर्म ऑल्सो गुड बिकॉज ऑफ द एबीएक्स के कारण, एक जगह है वो सपोर्ट दे रही है, बाकी आई थिंक कोई भी यूनिफॉर्म बेस्ट है, सब भी जितना भी यूनिफॉर्म है ना यूजलेस यूनिफॉर्म है, कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करो, रियली रियली अगेन एंड अगेन टेलिंग डोंट परचेस एनी यूनिफॉर्म राइट नाउ। सो आज कोड बस इतना है गाइस, समझ गए बहुत सिंपल सा है कौन सा यूनिफॉर्म परचेस करने का, 40% डिस्काउंट है। डॉक्टर डूम कुछ यूनिफॉर्म है उसको सब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ऑलरेडी डॉक्टर डूम को चाहिए चाहिए बोल रहे हैं, एंड आप बोल सकते हैं भाई आप बहुत सारे यूनिफॉर्म बोले नहीं, लेकिन एंटी मैन
तो उसमें कुछ जितना भी इसमें कैरेक्टर है ना उतना अच्छा नहीं, मेटा नहीं, यूजफुल नहीं, सच बोलूँ तो। एडम वॉरलॉक को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर चाहिए मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं हाँ मस्ट बाय इंक्लूड कर सकता हूँ। बाकी इसमें से देखूंगा तो मैं देख रहा हूँ, दूसरा कोई मैं मिस किया कर देख रहा हूँ। बट गाइस लिटरली डोंट परचेस एनी फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम, हमें जो भी जितना बोला ना उसके अलावा कोई भी यूनिफॉर्म परचेस ही मत करो, मेटा नहीं है, यूजफुल नहीं रहेगा आपका रोस्टर के लिए। बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप आपका कैसे आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं एंजॉयबल के लिए, आप कोई भी शीट मतलब बहुत बुरा कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ये वाला यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, रेड हल्का, रेड हल्का यूनिफॉर्म आ सकता है बिकॉज फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का मूवी आ रहा है ना कैप्टन अमेरिका 4, उसमें इसको यूनिफॉर्म मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये यूनिफॉर्म पसंद रहेगा तो परचेज कर सकते हैं, बिकॉज आपका किसला आपका एंजॉय के गेम खेलने के लिए आए तो आपके मर्ज दिया गया। बाकी कोई भी यूनिफॉर्म अच्छा है ये बेकार है तो स्किप करूँगा। तो आज के बस इतना है, नोटे पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।